दोस्तों, एप्पल ने अब तक का सबसे पावरफुल चिपसेट A18 को आईफोन 16 सीरीज के साथ लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको ढेर सारे AI फीचर्स भर भर के मिलने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही में क्वालकॉम, जो अब महीनों से अपने AI के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा था, वो भी इसी अक्टूबर के मंथ में अपना सबसे नया और एडवांस AI चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 Gen 4, जिसको वो स्नैपड्रैगन 8 Elite नाम दिया है, उसको लॉन्च करने वाला है। जब दो बड़ी चिपसेट मार्केट में लगभग एक ही साथ आएगी, तो आएगा इसके साथ ही इनके बीच का कंपैरिजन भी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं जस्ट राइट, और आज मैं लेकर के आया हूँ एक साइड बाई साइड कंपैरिजन वीडियो बिटवीन एप्पल A18 स्नैपड्रैगन 8 Gen 4। इस वीडियो में मैं सबसे पहले इन चिपसेट के स्पेक्स को कंपैरिजन करूंगा, फिर इनके बीच के बेंचमार्क्स रिजल्ट को, जिससे कि इनकी पावर एफिशिएंसी का पता चल सके। उसके बाद चिपसेट में क्या क्या प्रोज और कॉन्स और इन पर बेस्ड आने वाले जो स्मार्टफोन है वो क्या क्या हो सकते हैं, उसको बताऊंगा। एंड में मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट करने वाला हूं, तो आप बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्पेक्स, सबसे पहले बात अगर इनके आर्किटेक्चर की करेंगे तो दोनों ही चिपसेट 3nm के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है। वहीं CPU में जहां स्नैपड्रैगन 8 Elite ऑक्टाकोर पर बना है, वहीं A18 बायोनिक के अंदर आपको हेक्साकोर मिल जाता है। अब बात GPU की करेंगे तो स्नैपड्रैगन 8 Elite में एड्रिनो 830 का ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है, वहीं A18 बायोनिक में एप्पल के ही इकोसिस्टम का अपना ग्राफिक कार्ड यूज किया गया है। दोस्तों, जमाना AI का आ गया है और चिपसेट AI बेस्ड है, तो इनके अंदर AI इंजन भी यूज किया गया है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 में जहां क्वालकॉम का ही AI इंजन Gen 4 यूज किया गया है, वहीं A18 में एप्पल न्यूरल इंजन यूज किया गया है। अब बात अगर 5G सपोर्ट की करेंगे तो 8 Gen 4 में स्नैपड्रैगन X75 5G मॉडम का यूज किया गया है, वहीं A18 में इंटीग्रेटेड 5G मॉडम का यूज किया गया है। डिस्प्ले की क्वालिटी और सपोर्ट को देखेंगे तो एक तरफ जहां आप 8 Gen 4 मैक्सिमम QHD एट 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले का मजा ले सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ A18 चिपसेट में 4K एट 120 हर्ट्ज का मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट मिलने वाला है। रैम सपोर्ट में स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 में LPDDR5X का अप टू 16GB रैम आपको मिल जाने वाला है और A18 में LPDDR5 का अप टू 8GB रैम मिलने वाला है। अब बात अगर स्टोरेज टाइप भी करेंगे तो 8 Gen 4 UFS 4.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, जबकि A18 में NVMe का स्टोरेज टाइप मिलेगा। वहीं अगर AI के प्रोसेसिंग स्पीड को देखेंगे तो वो आपको 8 Gen 4 में 40 टॉप, A18 में 45 टॉप। तो ये था इन तीनों ही चिपसेट के स्पेक्स कंपैरिजन। अब आते हैं इनके बेंचमार्क रिजल्ट के कंपैरिजन की तरफ। दोस्तों, बेंचमार्क स्कोर किसी भी चिपसेट के परफॉर्मेंस फैक्टर को डिफाइन करता है। एक तरफ जहां गीगबेंच स्कोर किसी भी चिपसेट के CPU लिमिट को बताता है बोथ सिंगल और मल्टी कोर में, वहीं अंततः स्कोर जो होता है वो ओवरऑल स्कोर को बताता है, जिसमें CPU, GPU, RAM सब कुछ आता है। तो अगर सबसे पहले इनके अंततः स्कोर को देखें तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 का अंततः स्कोर जो है वो 30 लाख के ऊपर गया हुआ है, वहीं A18 का अंततः स्कोर 19 लाख के ऊपर गया हुआ है। अब गीगबेंच स्कोर को देखेंगे तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 का सिंगल कोर 3236 और मल्टी कोर 10049 निकल कर आता है, वहीं A18 में सिंगल कोर 3409 और मल्टी कोर 8492 आता है। तो दोस्तों, ये था चिपसेट का बेंचमार्क रिजल्ट। प्रोज एंड कॉन्स, दोस्तों इस वाले सेक्शन में हम देखेंगे साइड बाय साइड तीनों ही चिपसेट के प्रोज सेक्शन, जिसको आप एडवांटेज की तरह ले सकते हैं, और कॉन सेक्शन जिसको आप डिसएडवांटेज की तरह ले सकते हैं। सबसे पहले अगर स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 को देखेंगे तो इसमें प्रोज में काफी सारी अच्छी चीजें निकल करके आती है, जिसमें ये है, ये एक बेस्ट चिपसेट है गेमिंग प्रेफरेंस रखने वाले और मल्टीटास्कर्स के लिए, जिसमें आपको जबरदस्त 5G कैपेबिलिटीज दिख जाती है और जिसका जो AI इंजन है वो काफी इफिशियंसी के साथ वर्क करता है। वहीं इसका जो सबसे बड़ा कॉन्स हो सकता है वो है इसका एक्सपेंसिव होना। जिस तरह के फीचर्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये फ्लैगशिप लेवल्स के फोन में ही जा सकते हैं, जिससे कि डिवाइसेज थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अब अगर एप्पल 18 के प्रोस को देखें तो ये चिपसेट वैसे जाएगा तो सिर्फ एप्पल के फोन में ही, और ये एक आइडियल चिपसेट है प्रोफेशनल्स और कंटेंट क्रिएटर के लिए। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एक कंटेंट क्रिएटर को काफी ज्यादा फायदा दे सकती है। वहीं इस चिपसेट का इंटीग्रेशन जो है वो काफी स्मूथ रहने वाला है iOS के साथ में, और हीट मैनेजमेंट भी दोस्तों इस बार पहले से काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। वहीं ये चिपसेट जो है वो केवल iPhones में ही देखने मिल सकती है, केवल एप्पल यूजर्स ही इसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने सवाल उठ रहा होगा कि कौन कौन से अपकमिंग डिवाइसेस में ये चिपसेट आने वाले हैं। देखो, बात 18 का करेंगे तो वो तो ऑलरेडी आईफोन 16 और 16 प्लस में आ चुका है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 के चिपसेट पर आने वाले कुछ डिवाइसेस बेहद ही खतरनाक दिख रहे हैं। सबसे पहले फोन जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 पर आने वाला है वो है Xiaomi की तरफ से Xiaomi 15 सीरीज। ये फोन अक्टूबर के महीने में लॉन्च होगा और इसी के साथ अक्टूबर महीने में कुछ और फोन्स भी लॉन्च होंगे जिनमें ये चिपसेट आपको देखने मिलने वाला है। इसमें है IQ13, OnePlus 13, Vivo X200 Ultra। दोस्तों, कुछ और फोन्स में ये चिपसेट देखने मिल सकते हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर फोन Samsung Galaxy S25 Ultra हो सकता है। वहीं Realme GT 7 में भी दोस्तों आपको ये चिपसेट देखने मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। फिर चाहे स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 हो या A18 हो, किसी न किसी एस्पेक्ट में एक दूसरे से आगे दिखते हैं। हालांकि इनके अंदर की कमियां भी सामने डिस्कस की हुई है, और लास्ट में हम ये क्लियर हो गए हैं कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 जो है
वो फ्लैगशिप फोन्स के अंदर हाई लेवल परफॉर्मेंस को डिलीवर करने वाला है जिनके अंदर मोस्ट एडवांस्ड फीचर्स है, क्योंकि ये चिपसेट उन सबको हैंडल करने में काफी कैपेबल है। अंत में एप्पल बायोनिक A18 को देखें तो ये एप्पल का अब तक का सबसे एफिशिएंट और बेस्ट चिपसेट है जो कि वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन और बाकी चीजों को काफी बैलेंस तरीके से हैंडल करता है। तो दोस्तों अंत में बात आती है आपकी जरूरत, आपका बजट और आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर में। अगर आपको आईफोन की ब्रांडिंग और एप्पल के वो हाथों में दिखने वाले स्मूथ फोन पसंद है जिसमें आप आईना के सामने खड़ा होकर वो एप्पल सिंबल्स वाला फोटोज लेना चाहते हैं तो आप आईफोन 16 सीरीज के फोन को ले सकते हैं। एप्पल A18 बायोनिक अब तक का सबसे एफिशिएंट और बेस्ट चिपसेट है एप्पल की तरफ से। लेकिन अगर आपको एक पावरफुल और दमदार चिपसेट चाहिए जिसमें हाई एंड लेवल का गेम्स खेल सको और हेवी टास्किंग को जो आपका फोन सपोर्ट करे तो आप स्नैपड्रैगन 8 एलाइट वाले चिपसेट को ले सकते हैं। फ्लैगशिप फोन्स में यह चिपसेट आता है तो इसके अंदर भी आपको कैमरा डिस्प्ले के सारे फीचर्स खतरनाक तो मिलने वाले हैं, लेकिन यह चिपसेट जो क्वालकॉम की तरफ से आ रहा है वो हेवी टास्किंग में माहिर है। दोस्तों आपको कौन सा चिपसेट ज्यादा पसंद आया और आप किस चिपसेट के विषय में इंतजार कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।